हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ कानपुर में स्थित पनकी, और पनकी के ठीक पीछे पड़ता है कछुआ तालाब, जो कि काफ़ी सालों पुराना तालाब है और यहाँ पे 250-500 साल पुराने कछुए भी मौजूद हैं। और आलम यह है कि यहाँ पे कल की तारीख में एक कछुए की डेथ हो गई है। लगभग 200 साल से भी पुराना कछुआ था, और उस स्थिति को जाँचने के लिए प्रमीला पांडे यहाँ पे आई हैं यहाँ का जायज़ा करने। तो वो सारा ब्लॉग मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस पूरे पार्क को, यहाँ की सुंदरता वगैरह जो चेंजमेंट हो रहा है वो सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। कछुआ तालाब को 364 साल पहले बरतानी हुकूमत के दौरान देवी दयाल पाठक के पूर्वजों ने बनवाया था। तालाब की लंबाई और चौड़ाई करीबन 70 फीट है। कुछ समय पहले तक यह पूरा कच्चा बना हुआ था। एक ऐसे दौर में जब तालाब और पानी में रहने वाले जीव समाप्त होते जा रहे हैं, शहर में एक घनी आबादी के बीच कछुए जैसे दुर्लभ प्राणी फल फूल रहे हैं, वह भी बिना किसी सरकारी मदद के। नागेश्वर मंदिर के पुजारी देवी दयाल पाठक कहते हैं कि इस तालाब और मंदिर की स्थापना उनके पूर्वजों ने की थी। हालांकि ये कब बना इसके बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन हमें बताया गया कि यह तालाब 364 साल से अधिक पुराना है। देवी दयाल पाठक ने बताया कि उनके पूर्वज पाकिस्तान के सिंध से आकर कानपुर में बस गए थे। देवी दयाल कहते हैं कि तालाब में सैकड़ों की तादाद में कछुए हैं, और उनमें से कुछ की उम्र 355 साल से भी अधिक है, और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे मछलियाँ भी मौजूद हैं। महापौर प्रमीला पांडे ने मंगलवार को पनकी कछुआ तालाब का निरीक्षण किया। इस तालाब में ठेकेदार द्वारा पानी निकाले जाने से एक दिन पहले कछुए और मछलियों की मौत हो गई थी। यहाँ हुए विकास कार्यों की भी जानकारी ली। अधिशासी अभियंता अशोक भाटी ने उन्हें बताया कि मंदिर परिसर में दो गुटों में विवाद है, और ये विवाद हम लोगों को कल भी देखने को मिला। जैसा कि आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी विवाद हुआ था। महापौर ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जाँच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो हमारा इनका निजी झगड़ा है, लेकिन नहीं नहीं, ये तो शिफ्ट कर रहे नहीं कर रहे थे, हमारा आदमी कोई नहीं शिफ्ट कर रहा। सरकार इस पार्क को काफी चेंज करना चाहती है। पहले ये पार्क बहुत ज्यादा कच्चा बना हुआ था, अब आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी पक्का बनाया जा चुका है, और लगभग इसमें 2 करोड़ का खर्चा हो चुका है, और यहाँ का बजट पास हुआ था 4.5 करोड़ का, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए और लगने हैं। तो यहाँ का बिल्कुल फुल काम कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा पर्यटकों के लिए ये स्थान बन जाएगा। यहाँ पे भी पर्यटक आ सकते हैं घूमने के लिए, कछुओं को देखने के लिए। अब स्थिति ये है कि यहाँ काफ़ी गंदगी है प्रेजेंट टाइम में, और आने वाले लगभग 6 से 8 महीने में यहाँ की स्थिति काफ़ी चेंज हो जाएगी। काफ़ी सुंदर पार्क ये बनकर तैयार होगा, जैसा कि हम लोगों को सुनने में आ रहा है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये है नागेश्वर मंदिर, जो कि लगभग 364 साल से भी पुराना मंदिर बताया जाता है, और ये स्थित है पनकी मंदिर के ठीक पीछे। ये तालाब फेमस है, ये तालाब कछुआ तालाब होने की वजह से फेमस है। यहाँ पे सैकड़ों हजारों की तादाद में कछुए पाए जाते हैं। कछुओं के अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पे मछलियाँ भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए कुछ नया ब्लॉग लाने की, कानपुर में स्थित जितनी भी नई जगह हैं मैं वहाँ पर जाके आप लोगों के लिए ब्लॉग लाता रहता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में इस ब्लॉग के बारे में मुझे राय ज़रूर देना, और थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलूंगा मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, आप सब लोग अपना ख्याल रखना।